बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुश आमदी। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आज बहुत मज़ेदार सी गार्लिक ब्रेड की एक रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ विदाउट अवन। यानी जिन लोगों के पास अवन नहीं है, वो किस तरीके से गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं पैन में, तवे पर, जिस तरीके से भी उनको आसानी हो। और मेरे पास घर में कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने सोचा कि क्यों ना इनको यूटिलाइज़ करके थोड़ी सी वेरिएशन की जाए गार्लिक ब्रेड के अंदर। तो आज मैं वैरायटी ऑफ गार्लिक ब्रेड बनाने जा रहा हूँ, होप सो आपको भी अच्छी लगेगी। तो आए हम बनाना सीखते हैं वैरायटी ऑफ गार्लिक ब्रेड विदाउट अवन। जी दोस्तों, मेरे पास 3 लहसुन के जवे हैं, इन्हें हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तकरीबन 2 यूज़ करूँगा, जिस कदर बारीक हो सकता है उस कदर बारीक इसको चॉप करेंगे। हमने इसको मैश नहीं करना, क्योंकि अगर मैश करेंगे तो वो सही फ्लेवर नहीं आएगा और ये नज़र नहीं आएंगे। जी दोस्तों, ये अच्छे से क्रश हो गया है। इसे मैं अब मक्खन में डालूँगा। मेरे पास ये 4 टेबलस्पून मक्खन है, मार्जरीन है बल्कि, इसमें डालूँगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास धनिया तो आप धनिया डाल लें। मैं इसके अंदर ओरिगैनो डाल रहा हूँ, ड्राइड ओरिगैनो। इससे बहुत प्यारी खुशबू उठती है जब हम इसको बेक करते हैं। तो इसको विस्कर की मदद से या कांटे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पर चिपक गया था तो मैं स्पैचुला की मदद से हटा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। ये मेरे पास गार्लिक ब्रेड के लिए मिलती फ्रेंच ब्रेड वो है ये। इससे पहले मैं 2 हिस्सों में कट किया, अब उसके बाद इसको मैं हॉरिजॉन्टली भी इसको मैं कट करूँगा, ताकि टोटली मेरे पास 4 पीसेस हो जाएं। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इससे बहुत अच्छी बेक होगी तवे पे या पैन के अंदर। तो इस तरीके से दूसरी को भी मैं कट कर लूँगा। जी दोस्तों, तो इस पर, इन चारों पर हम ये जो मक्खन वाला बैटर है लगाएँगे, इक्वली डिवाइड करके चारों पर आ जाएगा। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे, ताकि जब हम इसको टोस्ट करें तो सब तरफ एक जैसा कलर आए और एक जैसा टेक्सचर आए। जी दोस्तों, तो अब हम इन्हें तवे पे सेक लेंगे। बिल्कुल स्लो आग पर मैंने तवे को रखा हुआ है, और जो मक्खन मेरे पास बच गया था वो थोड़ा सा लगा लेंगे इस साइड पे भी, बहुत कम कम। इन्हें पलट लेंगे, थोड़ी सी देर बैक साइड से भी इनको सेक कम लगवाना है, क्योंकि बाकी हमने इसको जब पकाना है तो हम इसको बैक साइड से पकाएंगे, फ्रंट साइड से नहीं। फ्रंट साइड पे हम अब ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे जब हम फिलिंग या टॉपिंग करेंगे तो फ्रंट साइड हमसे नहीं पकाई जाएगी, सिर्फ बैक साइड से पकेगा ये। तो फिलहाल मैं इसको बैक साइड से थोड़ा सा सेक लगवाऊँगा, अब इसको पलट लेंगे वापस। अब इस तरफ से हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट हल्की आग पर पकाएंगे, और ऐसे मुसलसल घुमाते रहेंगे ताकि सही तरीके से टोस्ट हो जाए। जी दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इन्हें अब हम उतार लेंगे, और जो हमारा 4th पीस है उसको भी मैं टोस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो इसमें से हम एक को बिल्कुल प्लेन रखेंगे, यानी सादी जो हमारे पास गार्लिक ब्रेड होती है, बाकी 3 पे हम वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर मेरे पास कॉर्न है, स्वीट कॉर्न 1 टेबलस्पून है। इसको थोड़ा थोड़ा क्रश कर लूँगा, ऑप्शनल है, बनाए नहीं है तो ना बनाए। मेरे पास थे तो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इन्हें साइड पर रख लेंगे। फ्रेंड्स, इसके मैं 2 पार्ट्स कर लूँगा ताकि मुझे बेकिंग में आसानी हो। इस पर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, फ्रेशली ग्रेट की हुई चीज़ इस पर डालेंगे। जितनी बारीक होगी उतना अच्छा आपका बेकिंग होगी तवे के ऊपर। ये हम कॉर्न डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, और थोड़ा सा बस 1 ऑलिव इस पर डालेंगे। जी और फ्रेंड्स, थोड़ी सी चीज़ और डालेंगे इसके ऊपर। मैंने बहुत बारीक ग्रेट की है, इसे हम साइड पे रख लेंगे। और अब हम दूसरे पीस को रेडी कर लेंगे। मैं पहले क्लीन कर लूँ जगह, फ्रेंड्स मैसी हो गया थोड़ा। जी दोस्तों, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चीज़ डालेंगे ग्रेट की हुई। फ्रेंड्स, मेरे पास एक चपली कबाब था, तो ये चपली कबाब हम इसके ऊपर डालेंगे। छोटे छोटे से इसके चंक्स काट लेता हूँ, छोटे छोटे से क्यूब्स कह लें। इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। अब थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर हम और डालेंगे, इसे भी ऑलिव से डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स डालें, इसे भी हम साइड पर रख लेते हैं। और अब हम दूसरा वाला अपना ब्रेड का पीस रेडी कर लेते हैं।
जी दोस्तों, तो इसके ऊपर मैं पूरे के ऊपर चीज़ डालूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना है, तो मुस्तफ़ा के लिए जो है कम चीज़ वाला और अहमद के लिए ज़्यादा चीज़ वाला, तो मैंने ज़्यादा चीज़ और कम चीज़ वाला इसको बनाया। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं और थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे जो इसकी खुशबू को मज़ीद इन्हांस करेगा। तो इसे हम रख देते हैं साइड पे, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगा प्लेन चीज़ वाला गार्लिक ब्रेड हमारा। और ये जो है हम बिल्कुल सादी बनाएंगे, तो इसके मैं पीसेस कट कर लेता हूँ, 4 पीसेस काटूँगा, क्योंकि मुझे तवे पे इनको भी सेकना है दोबारा से। ये 4 पीसेस हो गए हमारे, प्लेन रहेंगे, ठीक है। ये जिनको गार्लिक ब्रेड प्लेन पसंद है वो इसको इंजॉय कर लेंगे। तो हमारा जो 4th पीस है इसको अब हम असेंबल कर लेते हैं। तो चीज़ डालूंगा सबसे पहले इसके ऊपर बारीक ग्रेट की हुई, इसके साथ साथ मेरे पास ये जो चपली कबाब था वो इस पर डालेंगे, और थोड़े से जो कॉर्नस बचे हुए थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। सब फिनिश करना है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर ओरिगैनो डालेंगे। फ्रेंड्स ऑप्शन है, अगर पार्सले है पार्सले डाल लें, तो ओरिगैनो डाल लें, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, नहीं डालना तो बेशक मत डालिए। तो और थोड़े से हम ऑलिव्स इसको डेकोरेट कर लेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इनको सेकते हैं। एक कोई भी नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें। मैं पैन में इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी से बेक हो जाता है, और मेरे पास ये बटर पेपर है, इसके ऊपर मैंने इनको सेट किया हुआ है, कम जलेंगे इसके ऊपर और अच्छे से स्टीम जनरेट हो जाएगी। तो अब हम इसको कवर करते हैं, और फ्रेंड्स इसको उस वक्त तक हम हल्की दम वाली आग पे पकाएंगे जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये देख लें आप, आग की कंडीशन देख लें कितनी स्लो है, बिल्कुल दम वाली आग है। तो इसके ऊपर हम इनको रख देंगे और वेट करते हैं थोड़ा, 5 मिनट तक। जी दोस्त, हमारी चीज़ मेल्ट हो गई ऑलमोस्ट। तो अब हम इन्हें, ये देखें आप, मेल्ट हो रही है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार सी 3/4 स्टाइल वाली गार्लिक ब्रेड रेडी है। तो अभी आप इसको नज़दीक से देखें, ये माशाल्लाह देखें, चीज़ वाली भी कितनी अच्छी मेल्ट हुई है। ज़रूरी नहीं आप ओवन में बनाएं, विदाउट ओवन भी बन सकती है, बहुत अच्छी वाली, और बहुत प्यारा सा कलर है। तो आप इसको देखें और फिर मैं करता हूँ टेस्ट। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, तो करते हैं इसको इंजॉय। दोस्तों पहले मैं रियली ट्राई करता हूँ। लास्ट पर ये। अच्छा फ्रेंड्स, उससे पहले मैं दिखा दूं, बैक साइड देखें इसकी, जली नहीं है। ये वाली भी देखें, अब चीज वाली चेक करते हैं। टेक्सचर देख रहे हैं आप, मैंने सिर्फ इसी वजह से इसको किया कि अगर हमारे पास अवन नहीं भी है तो विदाउट अवन भी चीज का ऐसा टेक्सचर हो सकता है। प्लेन वाली से आप सब बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। इसका जो क्रंचीनेस और क्रंची साउंड है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर होप्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।